गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं मीनल भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ बाली न्यूज मीडिया में। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। जदारण के राज थाना क्षेत्र में भीमगढ़ गांव में नशे की हालत में हेड कांस्टेबल ने दंपति से बदसलूकी की। रिपोर्ट के अनुसार शिवलाल पुत्र संपत लाल अपनी पत्नी के साथ भीमगढ़ से रास जा रहा था। गर्मी तेज होने के कारण पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी हेड कांस्टेबल सरकारी बाइक लेकर उनके पास पहुंचा और उनके साथ बदसलूकी करने लगा। विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही। इसी दौरान ग्रामीण इकट्ठे हो गए और हेड कांस्टेबल के विरुद्ध रास थाना में FIR दर्ज करवाई। थाना अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। बाली उपखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडारा पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र वागादिया के निर्देशन एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपति सुबोध के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। नर्सिंग प्रभारी महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया, इस अभियान में कुल 38 गर्भवती महिलाओं की डॉक्टर गणपति सुबोध ने स्वास्थ्य जाँच कर गाइडलाइंस अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्ण जांच सेवाएं पोषण संपूर्णता मात्र एवं शिशु मृत्यु दर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अभियान में नर्सिंग स्टाफ महेंद्र सिंह राजपुरोहित, प्रकाश कुमार, मुकेश परियार, रेचलमा टीटी, नीलम बावल, ममता ओझा व सीता बावल, राम प्यारी, बिंदु कंवर, डिंपल आदि मौजूद थे। कोरोना जागरूकता को लेकर बाली उपखंड के अधिकारी श्री निधि बीडी ने राशन डीलर ई मित्र संचालक शराब की दुकान के कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट सैंपल लेने के निर्देश दिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अफवाहों से बचे। अगले बुलेटिन में बात करेंगे बाली की एक नई जनहित खबर की, और तब तक देखते रहिए बाली न्यूज़।